गठबंधन की रैली हो रही है, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ एयरपोर्ट खोज रहे हैं, एयरपोर्ट है कहाँ पर। और हम लोग को भी फोन आ रहा है कि भाई हम लोग जाना चाहते थे, अब कौन सा फ्लाइट कब पटना से मिलेगा एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया के लिए, वो मिल नहीं रहा है। तो साथ ही साथ हम अपनी उपलब्धि की भी चर्चा करेंगे, हम यह भी बताएंगे कि सीमांचल के इलाके में हमने क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बड़ा दिन है, सुपर सैटरडे भी कह सकते हैं। महागठबंधन की महारैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लौरिया पहुंच रहे हैं, फिर पटना के बापू सभागार में किसान समागम है। तो कौन सी रैली, कौन सा कार्यक्रम, किस पर कितना भारी पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। एक तरफ महागठबंधन की रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी तमाम तरह के दावे कर रही है। देखिए, नए दौर में तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई तो रैली तो करना पड़ेगा। पूर्णिया में रैली किए, अब पटना में करेंगे, लौरिया में करेंगे, महागठबंधन के घटक दल भी रैली करेंगे। महागठबंधन के घटक दल ने पूर्णिया में रैली रखा, इसके पहले अमित शाह जी पूर्णिया में कर रहे थे, तो हम लोग तो उनके काम का निगरानी करेंगे। अब जैसे महागठबंधन की रैली हो रही है तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ एयरपोर्ट खोज रहे हैं, एयरपोर्ट है कहाँ पर। और हम लोग को भी फोन आ रहा है कि भाई हम लोग जाना चाहते थे, अब कौन सा फ्लाइट कब पटना से मिलेगा एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया के लिए, वो मिल नहीं रहा है। तो साथ ही साथ हम अपनी उपलब्धि की भी चर्चा करेंगे, हम यह भी बताएंगे कि सीमांचल के इलाके में हमने क्या किया। और अभियान किताब दान पुस्तकालय का कंसेप्ट है, जिसको नीति आयोग ने यह कहा कि पूर्णिया में किताब दान अभियान और गांव गांव में लाइब्रेरी की बात, कि सभी 230 पंचायत में लाइब्रेरी चल रही है। हमारी उपलब्धि तो यह हो गया, आप विश्वविद्यालय हो गया, सीमांचल के इलाके में आधारभूत संरचना में जो विकास हुआ, सड़कों का जाल, बिजली, और साथ ही साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज हमने किशनगंज में शुरू किया, हमारी उपलब्धि हुआ। और वह उपलब्धि की किसान की जो पढ़ेगा देश में पहला है, जो पढ़ेगा एग्रीकल्चर उसको स्टाइपेंड में मिलेगा। अब माननीय अमित शाह जी को बताना चाहिए, पूर्णिया में तो अपनी उपलब्धि एयरपोर्ट बता दिए, जिसका खाता बही कुछ मिला नहीं। तो हमारी उम्मीद है कि आप आए हैं बिहार, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जरा बिहार में नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने स्वामी जी का राजकीय समारोह घोषित किया। जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो कृषि अनुसंधान परिषद में पहली बार स्वामी जी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया, आदमकद मूर्ति लगाया। तो अब तो आप आ गए हैं, इस बार घोषणा करिए कि भारत रत्न देंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती को। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी मार गए थे, मोकामा जब गए थे पटना जिला के मोकामा में, तो टाली योजना के लिए राशि भी मुक्त करिए, कुछ दीजिए इसके लिए, केवल आइएगा भाषण देकर चले जाइएगा, यह तो न्याय संगत नहीं है। प्रधानमंत्री होकर के एक रुपया भी वहां नहीं दिया, एक योजना नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए तो उस इलाके के विकास के लिए। और चंपारण में अगर आप जा रहे हैं, हालांकि चंपारण में जाकर के पहले गांधी जी के पास जाकर माफी मांगना चाहिए था कि हम गोडसे का भी मूर्ति लगवाता है तो हम चुप्पी मारते हैं। मैं आ रहा हूं, तो हमारी उम्मीद यह थी कि माननीय अमित शाह जी अगर वहां गए हैं तो वहां अनुसूचित जनजाति की बेटी, जो थारू समुदाय के है, जो महिला बटालियन बना है, और जो वाल्मीकि नगर का विकास नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में है, जरा उसका प्राकृतिक वातावरण देख लेते तो राजनीतिक वातावरण भी आपका प्रदूषण कम करता। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए महागठबंधन की महारैली के लिए परीक्षा को टाल दिया गया, उसका समय आगे बढ़ा दिया गया, विश्वविद्यालय जो कॉलेज है उसमें इस तरह के आदेश हुए। तो मैंने इसके लिए राजभवन में उनको लिखना चाहिए था कि बिहार सरकार की आलोचना करना चाहिए विश्वविद्यालय का। तो महागठबंधन हम उनसे जानना चाहते हैं
कि ये अधिकार किसको है। अगर ये फैसला हो भी गया तो राजभवन से राजभवन में दरखास्त करना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय अधिनियम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है तो खाली सीनेट सिंडिकेट में पैरवी भी करते रहते हैं और कोई काम नहीं बचा हुआ है। सर रैली क्या आसान है 2024 के लिए नीतीश कुमार की राह? आपकी पार्टी के जो पुराने नेता थे अब आपकी पार्टी में नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा 10 दिन पहले वो कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जो उनका नीति सिद्धांत है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं, तो उधर भी खेमा बढ़ रहा है। अब उसके लिए भाई कौन सा दवा खाए हैं हम, उस दवा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब वो कौन दवा खाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, इसका साइड इफेक्ट इतना जल्दी 15-20 दिन में बदल जाता है। और हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सम्राट अशोक को अपना आइकॉन मानते हैं, तो सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया भाषाई रूप से, उसके साथ चले जाए तो उनको तो जनता सवाल पूछेगी कि जो सम्राट अशोक को गाली दे रहा है उसके साथ आप खड़े हैं क्या है? इसलिए सवाल व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्ति की भूमिका बहुत सीमित होती है, धारा का सवाल है। व्यक्ति की भूमिका बहुत सीमित होती है। नीरज कुमार जी से महागठबंधन की रैली और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर उनसे सवाल बातचीत इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।